तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का हिंदी यानी बिहार बोर्ड का ये हिंदी है, बहुत शानदार कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, जिसको लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। और उस कहानी का नाम है मछली। याद रखिएगा, कहानी का क्या नाम है? मछली। आखिरकार इस मछली कहानी में कौन सी कहानी का क्या नाम है? मछली। थोड़ा सा हम लोग विनोद कुमार शुक्ल के जीवनी के बारे में समझ लें। कई बार एग्जाम में इनसे पूछता है और कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। यहां समझिएगा, इनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है, और 1937 में हुआ था। अब पूछेगा कहाँ हुआ था, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग विनोद कुमार शुक्ल के जीवनी के बारे में समझ लें। कई बार एग्जाम में इनसे पूछता है और कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। यहां समझिएगा, इनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है, और 1937 में हुआ था। अब पूछेगा कहाँ हुआ था, तो देखिए नांदगांव छत्तीसगढ़। कभी कभी राज ना छोड़ के यही वाला दे देता है, ठीक है, नांदगांव छत्तीसगढ़ में बाबू हुआ था। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। अगला इन पद, अब देखिए कोई पद पर थे तो ये देखिए क्या, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इनको एक पद दिया गया था, क्या, एसोसिएट प्रोफेसर। आपसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल एसोसिएट प्रोफेसर कहाँ के थे, तो कैसे बताइएगा बाबू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, वहाँ के क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। अब देखिए, निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार 1994 से 1996 यानी 2 साल तक। आपसे पूछा जाएगा कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कितने वर्षों तक रहे, तो दो वर्षों तक रहे, 1994 से लेकर के 96 तक रहे, ठीक है। 37 में जन्म हुआ, 94 से 96 तक ये साहित्यकार मतलब अतिथि साहित्यकार रहे हैं। अब आगे देखिए, पहला कविता संग्रह, ये पूछा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है, तो लगभग जय हिंद। अब आपसे पूछा जाएगा लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ, तो 1971 में लगभग जय हिंद कविता क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। इनके 3 उपन्यास भी हैं। ये वाला उपन्यास में पूछा है, ये वाला नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, उसके पास दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिस तरह गली में एक लड़की रहती थी उसी तरह दीवार में एक खिड़की रहती थी। यह बताते बताते मुझे एक शायरी याद आ गई। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम का एक दरवाजा था और खिड़की मुझको जानती थी। अब यहाँ कहानी संग्रह लिखा गया है। कहानी संग्रह में पहला है पेड़ पर कमरा, ठीक है, यानी पेड़ के ऊपर कमरा, और दूसरा है महाविद्यालय। यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाविद्यालय। ये जो मछली कहानी है ना, ये किस संकलन से लिया गया, तो महाविद्यालय से लिया गया है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा मछली है। अब देखिए, इतावली भाषा में अनुवाद, जो पेड़ पर कमरा है ये कहानी, जो इसको इतावली भाषा में अनुवाद किया गया है, ठीक है, इतावली यानी इटली की भाषा में अनुवाद किया गया है। नौकर की कमीज, यहाँ पे मणिकौल द्वारा इस पर एक फिल्म बनाया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस कविता या किस कहानी पर एक फिल्म बनाया गया, विनोद कुमार शुक्ल की, जो किस कहानी पर क्या बनाया गया, फिल्म बनाया गया। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी ऐसी कहानी है जिस पर एक फिल्म बना था, तो कौन सी कहानी है, मणिकौल द्वारा ये किया गया है, और ये था नौकर की कमीज पर एक बना था, और वो फिल्मकार कौन थे जो फिल्म बनाए थे, तो मणिकौल थे, याद रखिएगा। अब देखिए, इनको पुरस्कार भी मिला, आखिरकार इनके कहानी पर फिल्म बनाया बाबू, तो पुरस्कार तो मिला होगा, क्योंकि इनको मिला होगा कि ये कहानी भाई लिखा किसने है, बहुत ही मस्त है। तो देखिए इनको क्या क्या पुरस्कार मिला, 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके 2 साल के बाद एक और पुरस्कार, देखो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको दिया गया था, और 1997 में भी मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको दिया गया। यानी कि देखिए 90, 92 और 97, 90 उसके 2 साल के बाद फिर रघुवीर मिले, और 97 में दयावती मोदी कवि सम्मेलन सम्मान मिला, ठीक है, शेखर सम्मान मिला। ये इतना आपको याद रखना है। आपसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बाबू कर सकते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाएंगे कि मछली जो ये आपको कहानी पढ़ने को मिल रहा है, ये कहाँ से संकलित है, किस किताब से लिया गया है, तो याद रखिए महाविद्यालय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, महाविद्यालय। अब पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल की कहानी जो है मछली, उसमें एक उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी जिस पर एक फिल्म बनी है, वो कौन सी कहानी थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे नौकर की कमीज पर बना था, ठीक है। अब पूछा जाएगा मछली कहानी
किसकी लेखन मतलब किसकी लेखन है और किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। प्रस्तुत कहानी देखिए महाविद्यालय से संकलित है, ठीक है। और ये कहानी मछली है कैसा, तो ये हम लोगों जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार है, हम लोग का जैसे परिवार होता है और उसमें हम लोग देखो छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं। आप देखिएगा कभी कभी जब मूर्ति पूजन होता है सरस्वती पूजा में, तो होता क्या है कि जब मूर्ति ला के रख दिया जाता है और जब उसका विसर्जन का समय आता है, यानी भसान हम लोग बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि काहे लिए इतना महंगा खरीद करके भसा देता रहे, हमको दे देता रहे और हम ले जाके घर पे पूजा करते, मतलब हम लोग को तकलीफ होता है, ठीक है, कि आखिरकार इतना अच्छा से सब लोग मतलब पूजा वगैरह किए और फिर ले जाके पानी में मतलब दहा देते हैं, तो ये ना करके हम ही को दे देता, इतना भारी भारी मूर्ति हमको दे देता, क्या दिक्कत है पानी में फेंकने से, तो ऐसे दिमाग में चलता है। या फिर आप कभी देखे होंगे यहाँ पे मछली कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार का है, मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण का है, बेचारा जब मछली घर पे लाया जाता है डायरेक्ट सरान समझिए इसका, उसके बाद इसको थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बता देंगे इसका सरान से, कि पिताजी जब मछली खरीद के लाते हैं और साथ में उनके दो लड़के जाते हैं, एक लड़के का नाम एक तो लेखक हो गया, दूसरा था संतु, तो संतु और लेखक दोनों के दिमाग में चलता है पिताजी मछली तीन खरीदे हैं, कितनी मछली खरीदे हैं, तीन मछली खरीदे हैं, और तीनों मछली में एक मछली वहीं पे मर गई रहती है, मतलब वो मर चुकी रहती है, तो दूसरा दो ठो मछली जिंदा रहती है, तो दोनों सोचते हैं लेखक के और संतो दोनों भाई कि जाएंगे घर पे ना, पिताजी जब मछली काटने को बोलेंगे, ठीक है, नौकर से बोलेंगे, भंगू नाम था नौकर का, क्या नाम था, भंगू नाम था, उससे जब बोला जाएगा तो उससे पहले हम मछली को एक मांग लेंगे और ले जाके उसे कुएं में रख देंगे, और जब मन करेगा उसमें से निकाल के बाल्टी में रख के खेल लेंगे, फिर उसे कुएं में डाल देंगे, एक पिता इसे मांगे जरूर। तो इसी के बारे में हम लोग को इस कहानी में जानना है। यह कहानी वहाँ से शुरू कर रहे हैं जब लेखक के पिताजी मछली खरीदने के लिए बाजार गए, और उनके साथ साथ लेखक और संतु, ये दोनों भाई हैं, लेखक और संतु के हैं, लेखक के भाई का क्या नाम था, संतु नाम था, ये याद रखिएगा, ये दोनों गए थे और ये लोग मछली को देख करके अलग अलग इन लोगों के दिमाग में विचार आया था कि पिताजी मछली खरीदेंगे और जैसे ही घर पर ले जाएंगे तो इनसे हम लोग एक मछली मांग लेंगे और वो मछली ले जाके कुएं में डालेंगे, जब मन करेगा मछली निकाल करके बाल्टी में रख के खेलेंगे, फिर उसे कुएं में डाल देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब जो जैसा बच्चा सोचता है, जैसे हम लोग बचपन में सोचते हैं कि पिताजी ऐसे करते, तो वैसा नहीं होता है, हम लोग के साथ ऐसा लगता है ना कि हम बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मछली आया है तो बनेगा ही, कटेगा ही, तो कटने से यानी मछली जब कटने वाला था तो इन लोगों के अंदर पूरा डर था कि मसाला पिसाना शुरू हो गया है, बस अब तो कहानी खत्म। वही देखिए यहां पे इसमें पांच आदमी हैं, एक तो लेखक के पिताजी हैं, एक्टर हैं, इस फिल्म के पात्र हैं, देखिए लेखक के पिताजी हैं, एक माँ है, लेखक है, संतु है और भंगू, नौकर का क्या नाम था, भंगू नाम था, ठीक है, और एक दीदी थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि दीदी और मछली में समानता बताया गया कि दोनों एक समय ऐसा है कि दोनों में कैसे ये दोनों एक दूसरे के समान है, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ समझिएगा तीन मछली खरीदी गई है जिसमें एक मछली ऑलरेडी पहले से ही मरी हुई थी और दो मछली जीवित थी। आपसे पूछा जाएगा कि लेखक के पिताजी द्वारा कितनी मछली खरीदी गई, तो तीन मछली खरीदी गई, उसमें से कितनी मछली मरी हुई थी, एक मरी हुई थी, दो जीवित थी, ठीक है। संतु अब देखिए मछली तो ये लोग खरीद लिए, लेकर जब आ रहे थे तो सोचे कि मछली तो एक मर चुकी है, दो और मर जाएगी, अगर झोला में मान लीजिए लिए हैं तो झोला में लेने के बाद से डायरेक्ट पानी उसको नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, क्योंकि पानी के बदौलते मछली जीवित रहती है, तो लगता है पानी बरसा होने लगता है, तो लेखक क्या करते हैं उस झोले का मुंह ऐसे थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि पानी आएगा तो कुछ हद तक उसमें अगर गिर रहा है तो मछली पर पड़ेगा तो कुछ हद तक जीवित रहेगी, ऐसा मतलब उनका मानना था, लेखक का मानना था, ठीक है। और पानी तो जोर से आ गया, तेज आ गया और इन लोग पानी में भींग गया, अब इन लोगों को डर बन गया कि हम लोग पूरा गीला हो चुके हैं, लेखक और संतु घर जाएंगे तो मम्मी का डांट पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए संतु क्या किया, बचने के लिए याद है कि मकान के नीचे जा करके खड़ा हो गया, ठीक है, और उसका क्या बोलते हैं झोला का मुँह खोल दिया गया ताकि उसमें बारिश का पानी आएगा वर्षा का और उसके बाद से मछली जीवित रहेगी। ये दोनों दौड़ता दौड़ता भागता भागता वहाँ से आया और डायरेक्ट मछली लेकर के कहाँ घुस गया, स्नान घर में डायरेक्ट घुस गया जहाँ मछली को काटी जाती है, लेकिन काटने के लिए नहीं, वहाँ रख देने के लिए, ठीक है। और क्या किया समझो, स्नान घर में पानी वगैरह पूरा भर करके उसी में मछली को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे
नीचे दबी मछली मर चुकी थी, उसमें जो भी था तो नीचे दबी हुई मछली मर चुकी थी। यहाँ पे देखिए लेखक संतु से, पता है लेखक जी संतु से क्या कर, लेखक माने विनोद कुमार शुक्ल जी मछली है, याद रखिएगा इनके लिखा हुआ क्या है, मछली है। ये बोल रहे हैं कि पिताजी से एक मछली मांग लिया जाएगा, ठीक है, दो को ही अपना जो भी बनाना है उसको बनाए, ठीक है। संतु प्यार से मछली की तरफ देखता रहा। देखिए लेखक संतु से बात कर रहा है, अपने भाई से बात कर रहा है कि पता है मुंह लगेगा यार, बहुत अजीब लगेगा, हम लोग ना एक मांग लेंगे मछली, ठीक है। तो संतु फिर भी क्या कर, मछली को प्यार से देखता रहा, कितनी अच्छी है ना जी। अब देखिए लेखक कह रहे आँखों के साम क्या, याद है मछली के आँखों में झांकना। अब लेखक क्या क्या कि मछली की आँखों में झांक रहा था, पता है क्यों, कहा उसकी दीदी, लेखक की दीदी बताई थी कि मरी हुई मछली के आंखों में देखने से छाया नहीं बनता, यानी परछाई नहीं बनता है। तो लेखक मछली को उठा के आंखों में झांक रहा था, ठीक है। संतु से बोला ले तू भी झांक के देख, ठीक है, कि देख तो परछाई बन रहा है कि नहीं। लेकिन संतु डरता था, वो ऐसे दूर भागा, ठीक है, मतलब तो उसे डर लगता था उसे छूने में। लेकिन किसी तरह लेखक जबरदस्ती पास में ले गया तो उसे ऐसे हाथ टच करके ऐसे खींच लिया। बच्चा ऐसे ही नहीं करता है, जैसे ही छूने जाता है तो हम लोग डरा देते हैं, तो खींच लेता है हाथ, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है, किसने बताया था कि मरी हुई मछली के आंखों में छाया नहीं दिखता है, तो दीदी ने बताया था लेखक को, ठीक है। अब बोला कि ठीक है, जब दीदी ने बताया है तो एक बार दीदी को बुला के लाओ, हम तो देखे तो हमको कुछ दिखवे ना किया, ठीक है। जब दीदी को संतु बुलाने के लिए गया, लेखक बोला संतु से कि जाओ दीदी को बुला के लाओ, तो दीदी कमरे में बंद चादर ओढ़ करके और वहाँ सोई हुई थी। आ करके संतु बोला कि दीदी तो सोई है। लेखक सोचने लगे कि दीदी दिन में तो कभी नहीं सोती है, कुछ तो बात है, ठीक है, कुछ तो बात है। और कुछ देर के बाद जब वहाँ पे संतु गया, सॉरी लेखक गया, तो देख रहा है दीदी सिसक रही है, सिसक मतलब रो रही है। अब देखिए जब दीदी यहाँ सिसक रही थी तो आखिर कुछ तो बात है, कुछ तो बात हुआ होगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए अब मामला फंस गया, मछली ला दिया गया, लेकिन बाबू देखिए हुआ क्या, मसाला का पिसना, अब मसाला पिसाने लगा। अब इन लोगों को लेखक को बहुत दुख हुआ कि अब सब मछली को काट दिया जाएगा, ठीक है, अब हमको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। मछली काटने का पाटा, जहां मछली काटा जाता है एक घर में अलग जगह होगा, ठीक है, वहां पे पाटा मतलब होता है, हम लोग अपने भाषा में ठेया बोलते हैं, ठीक है, ऐसे गोल सा होता है, आप लोग देखे होंगे चिकन वगैरह जब काटा जाता है तो ऐसा रहता है, पाटा रखा गया। अब लेखक को दुख हुआ, संतु को दुख हुआ, संतु से रहा नहीं गया, ठीक है। जैसे भंगू वहां पे आता है, देखो माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता है, माँ को मछली बनाना अच्छा ही नहीं लगता है, मछली को काटना उनको भी दुख लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए मछली पाटे पर आ गई, भाई आ गया मछली, पाटा आ गया, ठीक है, आंगन में पाटा रख दिया गया, स्नान घर में, और मछली ला कर रख दिया गया। संतु यानी लेखक के भाई को देखा नहीं गया, क्योंकि देखो यहाँ पे संतु बड़ी प्यार से मछली की तरफ देख रहा था, ठीक है, उसमें से एक मछली उठाई और लेके भाग गया, ठीक है, बोला कि नहीं इसे कटने नहीं देंगे, ठीक है। अब बताइए कि लेके भाग गया, उसके पीछे पीछे जो मछली काटने वाला नौकर था भंग, वो भी दौड़ने लगा, ठीक है, कि मछली छीनने के लिए। मछली अब मान लीजिए छोटा बच्चा कितना दौड़ेगा, भंग उसे पकड़ लिया, लेकिन मछली को ऐसे पेट में दबा करके और बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, और वैसे ही जबरदस्ती किसी तरह क्या किया, भंगू से छीन लिया, ठीक है, उसका पूरा कपड़ा मतलब गीला हो चुका था, किसका, संतु का। अब देखिए यहाँ देखिए दीदी क्या कहती, हिचकिया लेते शरीर का क्या सिहरना, दीदी जब हिचकिया ले रही थी तो शरीर जिस तरह कांपता है ना ऐसे करके, ठीक है, सिहर रहा था, वैसे ही मछली भी उस समय क्या कहती आप झोले में सिहर रही थी। यानी ये दोनों में ये समानता बताया गया है कि जिस तरह मछली झोले में तड़प रही थी वैसे ही ये कंबल ओढ़ करके जिस क्या कर रही थी सिसकियां काट रही थी, तो सेम टू सेम दिख रहा था, ये जाके लेखक देखा। अब पिताजी गुस्सा थे उस समय, पिताजी बहुत तेज गुस्सा थे, ठीक है, नरेन को बोले कि नरेन अगर घर पर आए, ठीक है, भंगू से बोल रहे हैं कि अगर नरेन घर पर आए तो उसे घुसने मत देना और उसे हाथ पैर तोड़ देना, ठीक है, बाद में जो होगा हम लोग देख लेंगे। तो ये पूछेगा कि क्या बोलते हैं पिताजी किस पर गुस्सा थे और बोले कि हाथ पैर तोड़ दे, तो नरेन पर गुस्सा थे। अब देखिए अंत में क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया, मछली छीन के भंगू ला दिया, काट उट दिया बढ़िया से, ठीक है, बना बना दिया, उसका जो ऊपर वाला जो चमकने वाला गोल गोल मछली का हिस्सा होता है, एक तरह से जिस तरह हमारा चमड़ा होता है उसी तरह मछली को
क्या बोलते हैं, ठंडा से बचाने के लिए ऊपर का उन लोगों का चमड़ा होता है। अब देखिए वो पूरे आंगन में मतलब बिखरा हुआ था, आंगन का मतलब नहान जो स्नान घर होता है ना उसी में। उसके बाद जब लेखक जाके देख रहे थे तो मछली कट चुकी थी, ठीक है, और वहाँ पे मसाला पिसाना शुरू भी हो गया था। अब उस हिसाब से पूरा घर बदबू से फैला हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि एक जगह अगर मछली को काट दिया जाए तो कितना दिन तक मतलब उसका बदबू रहता है, मछली का बदबू रहता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है, लेखक और संतु काफ़ी दुखी थे, ठीक है। तो देखिए ये सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है, कि इतने मतलब इसको हमको एक दे देने में क्या दिक्कत है, हम इसको रखते इससे खेलते, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। तो बाबू अगर समझ में आया है आपको तो एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, और इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज जैसे ही आएगा VVI क्वेश्चन आपको 100 में 100 आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए हिंदी में तो शुद्ध लिखोगे तो 100 आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो 95+ तो आ सकता है, 5 नंबर अगर कट जाए राइटिंग के लिए तो चलेगा, ठीक है, लेकिन तैयारी तो जबरदस्त करना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।